हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मनीष सिंह ब्लॉग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या है। वाह, देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी लगेंगी आप लोगों को देखने में। देखिए लोगों के घर बने हुए हैं ये, और उधर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे शेर भी आता है। शेर, चीता, चीता भी आता है, शेर भी आता है, लेपर्ड वो वहाँ पे वहाँ घूमता है। और वहाँ से वो हाईवे भी जा रहा है, हाईवे भी है वहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये लोग, आप लोग देख सक रहे हैं कि ये है किला। देखिए आपको दिख रहा होगा किला, ऊपर एक किला बना हुआ है, वो एक किला बना हुआ है, और वो है देख सकते किला है। और ये है मेरी नित्या। हाय नित्या, गुड मॉर्निंग। एलियन? यहाँ पे एलियन कहाँ से आएगा बेटा? नहीं बेटा, एलियन थोड़ी होता है, एलियन तो होता है तो यहाँ थोड़ी आएगा। देख सकते हैं आप लोग ब्लॉग में, ये देखिए। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे पीछे देखना, जैसे कि रायसेन का किला है, ये रायसेन का किला। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला लगता है, और ज़िले में ही ये किला जो है शान है आपकी। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, एक दो बेटा गंदा होता है वो। ये है रायसेन का किला। इस किले के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं। और जैसे कि ये किला बहुत जो ये है, बताते कि 1915 में यहाँ पे राजा शासन करते थे, राजा जी, और उनके पास एक पारस था कुछ। तो आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ पे पारस, यहाँ पारस का पत्थर है अभी। और लोग, अब बहुत से लोग जो है इसकी तलाश में आते हैं, लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं, वो कहीं गुम हो जाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये बहुत माना हुआ किला है ये रायसेन का, और बहुत बड़ा किला है। मैं तो उस किले के ऊपर भी गया हूँ, कभी किसी वक्त जाएंगे कि वहाँ का वीडियो एक ब्लॉग बनाएं, क्योंकि अभी क्या है इस समय वहाँ पे लेपर्ड आया हुआ है तो लोग डरे हुए हैं, तो वहाँ कोई जाता है नहीं जल्दी। और पर एक भोले बाबा का मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पे, तो लोग पूजा करते हैं शिवरात्रि में। और आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा लगता है यहाँ पे, चारों तरफ हरा हरा, पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा ग्रीन। देख सकते हैं वीडियो पे, पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन है चारों तरफ ग्रीन। और ये है पुलिस लाइन। जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश की रायसेन ज़िले की पुलिस लाइन की कॉलोनी। आप लोग देख सकते हैं ये पुलिस लाइन की कॉलोनी है, ये चारों तरफ पुलिस वाले सब रहते हैं, सारे के सारे पुलिस वाले, 3 स्टार 2 स्टार कांस्टेबल सिपाही सभी यहाँ पे रहते हैं। ये है पुलिस लाइन, पुलिस वालों की पुलिस लाइन। और सामने विदिशा, सांची विदिशा और रायसेन होते हुए वो भोपाल के लिए एक रोड गया, नया हाईवे गया हुआ है वो उस तरफ से। अभी मैं आपको ब्लॉग में आके दिखाऊंगा कि मैं भी मुझको जाना है भोपाल, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में, ठीक है, कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है। और काफ़ी शानदार व्यू वहाँ से लगता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, मैं आप लोग दिखाऊँगा। देखिए किला कितना अच्छा लगता है, किले के ऊपर बहुत पूरा ज़िला दिखता है, मैं वहाँ पर गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पुलिस लाइन, बेटा चल रहा हूँ। हाँ वो बेटा किला है वहाँ पे लेपर्ड शेर आता है। देखिए नीचे लोगों के खेत, हाँ वहाँ आ गए थे लोगों को खेत भी है। और ये देखिए पुलिस लाइन, अच्छा नीचे चले चले चलो ओके। ये सीधा रोड जो है सांची जा रहा है, सांची से सीधा पे जो है रिक्शा जा रहा है। पहाड़ी दिख रही है, लेपर्ड आता रहता है।
कभी कभी। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे लेपर्ड आता है। अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर ऑडियो अच्छी ना हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग बन रहा है तो ऐसा हो रहा है। और अपने पास क्या अभी अच्छे से कैमरा नहीं है ना, तो फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। ये भाई मेरे हाथ में यहाँ पे देखो सारे खेत हैं, अगर अगल बगल जो है पहाड़ ही पहाड़ आप लोग दिख रहे होंगे हल्के हल्के। इस समय धूप निकली है मस्त खिली हुई, तो ये देख सकते हैं। ये है रायसेन और भोपाल का जो है रोड, ये रोड विदिशा से आता है और सीधा इंदौर को जाता है। ये इंदौर को, ये हाईवे इंदौर को गया हुआ है और भोपाल फिर इंदौर। ऐसे हमारे वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिंह फैमिली ब्लॉग में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेतवा नदी आप लोग देख सकते हैं, मस्त।
बस नदी भरी हुई भाई हो।